हत्या साध्वी यौन शोषण के मामले में पिछले 4 साल से सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 21 दिनों की फरलो पर सुनारिया जेल से गुरुग्राम साउथ सिटी उसके आश्रम लेकर आया गया है, जहां आश्रम पहुंचने से पहले गुरुग्राम पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 4 साल से जेल काट रहा गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद सुनारिया जेल से गुरुग्राम साउथ सिटी उसके आश्रम लेकर आया गया है। जिस बीच राम रहीम के परिवार के सदस्य और अनुयायियों का भी आश्रम में आने का तांता लगा रहा। हालांकि आश्रम के गेट के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। किले के माफिक पुलिस ने आश्रम के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है। आश्रम के गेट के बाहर पुलिस की तरफ से बैरिगेटिंग की गई है और जवानों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई। गुरमीत राम रहीम पुलिस की सुरक्षा के बीच जब आश्रम पहुंचा तो मीडिया के कैमरों से अपना चेहरा छुपाता हुआ नजर आया। 2017 में पंचकुला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में 20 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 2019 में पत्रकार छत्रपति की हत्या मामले में भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल में बंद था। कई दफा राम रहीम के वकीलों ने जमानत के लिए याचिका कोर्ट के सामने लाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हालांकि बीमारी के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जरूर 2 बार गुरमीत राम रहीम को ले जाया गया था, लेकिन अब 21 दिनों की फरलो पर गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के साउथ सिटी के इसी आश्रम में 21 दिन तक गुरमीत राम रहीम यहां अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाला है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम के आश्रम आने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में उसके अनुयायी और परिवार के सदस्य यहां पहुंचे। वहीं गुरमीत राम रहीम के साथ इस आश्रम में उसकी माँ, पत्नी और बच्चे भी मौजूद हैं।